अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जे एन न्यूज़ एच डी के साथ मैं हूं नायला भट्टी। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चौधरी ताहिर महमूद और राना खलील अहमद नायब सदर एम एस एफ की ज़ेर क़यादत यूनियन कौंसल 36 के लोगों की बरतदाद चीचा वतनी में होने वाले जलसे में शिरकत के लिए रवाना। तफसीलात के मुताबिक यूनियन कौंसल नंबर 36 से चौधरी ताहिर महमूद, राना और खलील अहमद की ज़ेर क़यादत लोगों का जम गफीर लोधी हाउस पहुँचा, जहाँ से एम पी ए नवीद असलम लोधी और उम्मीदवार ब्राय कौमी असम्बली मैडम आयशा अरशद लोधी की ज़ेर क़यादत में रैली 90 मोड़ चीचा वतनी पहुंची। राना मोहम्मद खलील ने कहा है कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवीद असलम लोधी और मैडम आयशा अरशद लोधी के साथ खड़े हैं। ज़मनी इलेक्शन में इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी। चौधरी ताहिर महमूद ने कहा कि हम नवीद असलम लोधी के साथ मिलकर मरियम नवाज का इस्तकबाल करेंगे। मोहम्मद नवीद असलम लोधी ने कहा कि साहिवाल की आवाम ने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है। इस मौके पर एडवोकेट ज़हीर अब्बास, इमरान फजल खोकर, फाइनेंस सेक्रेटरी साहिवाल, इंटरनेशनल प्रेस एंड मीडिया कौंसल आसिफ जुल्फकार चौधरी, वकास चौधरी, रिजवान चौधरी, सुफियान सरदार, वसीम डोगर, सी अहमद खतरान और लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी।